हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है ये लेफ्ट साइड का बनाऊंगी मैं। शोल्डर कटिंग साथ में गले की पट्टी बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने पहले आपको इस साइड का बताया है किस तरह से फंदों को डिवाइड करना है। यहाँ और बटन पट्टी रखी है, बटन होल रखे हैं, यहाँ से कटिंग की है 3 2 1 की, और यहाँ पर 4 3 2 की कटिंग की है और गला बनाया है। तो इस साइड भी देखिए किस तरह से बनाएंगे। दूसरी साइड बिगनर है तो आपके लिए ये वीडियो जो है काम आने वाली है, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि एक साइड का तो बना लिया, दूसरी साइड का कैसे बनाएं। तो सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए क्या करेंगे, ये जो फंदे रखे हैं मैंने हाफ, इसके हाफ, 3 फंदे इस साइड ले लिए थे मैंने बटन पट्टी में, और 3 इस साइड के 6 रखे हैं टोटल बटन पट्टी में उल्टे फंदे। तो अब यहाँ पर ये 32 फंदे हैं, 3 फंदे जो हैं इस साइड बटन पट्टी में गए हैं। 35 फंदे थे टोटल, 70 थे, 70 का हाफ 35, 3 फंदे यहाँ बटन पट्टी में गए इस साइड के, और 3 उस साइड के लिए बटन पट्टी बनाई है उससे। तो देखिए जितने फंदे बटन पट्टी में रखे हैं इतने ही फंदे यहाँ पर उठाएंगे उल्टी साइड से, ये उल्टी साइड है। तो जहाँ से बटन पट्टी स्टार्ट की है वहीं से उठाएंगे। ये देखें 6 फंदे मैंने उठा लिए हैं, जितनी हमारी ये बटन पट्टी चौड़ी है वहाँ तक उठाए हैं, यहाँ तक है ये 6 फंदों की। तो अब इन 6 फंदों को अपनी लेफ्ट नीडल में ले लेंगे। यहाँ तक उठाएंगे तो 6 फंदे चाहिए, 7 उठाए हैं मैंने क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा आ रहा था। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6 फंदे ही चाहिए हमें। बटन पट्टी के फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाए थे उल्टे, इसमें आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये सीधे फंदे हैं और 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, 6 में से 5 उल्टे और लास्ट का स्टिच है सीधा, ताकि ये स्मूथ आए। तो इस साइड से अटैच कर लेंगे उनको यहाँ पर, पहला फंदा सीधा बना लिया, अब एक उल्टा, ये 2 हो गए, ये 2 इकट्ठे बुनेंगे क्योंकि एक फंदा एक्स्ट्रा उठाया है, 3 हो गए, 4 5 और ये 6 फंदे बटन पट्टी के उठा लिए, यहाँ बटन पट्टी के नीचे से ही उठाने हैं। अब बाकी के फंदे जो हैं सीधे बना लेंगे। यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर कटिंग आपको बताती हूँ इस साइड की। सीधी मैंने यहाँ तक बना ली है रो, बटन पट्टी के फंदे उल्टे हैं, बाकी सीधे बना लिए हैं उल्टी साइड से। पहला फंदा उतारा, एक उल्टा बुना, पिछला फंदा इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, 1, नेक्स्ट बुना, ये गिराया, 2, नेक्स्ट बुना, 3, नेक्स्ट बुना। तो यहाँ पर 3 फंदे मैंने घटा लिए हैं, 1 2 और ये 3 बाइंड ऑफ कर लिए 3। अब बाकी के फंदे जो हैं उल्टे बना लेंगे। देखिए राइट साइड से जब बनाते हैं तो सीधी साइड से
घटाते हैं और इस साइड से उल्टी साइड से घटाने हैं फंदे। बाकी के फंदे सारे उल्टे बना लूँगी, उल्टी साइड है, बटन पट्टी के फंदे भी उल्टे। सीधी साइड पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो टोटल हमारे छः फंदे उल्टे, पहला उतारा और पांच उल्टे बुने, तो छः फंदे हमारे ये बटन पट्टी के रहे और बाकी के फंदे सीधे बना लेंगे। उल्टी साइड पहला फंदा उतारा, अगला फंदा बुना, पिछला फंदा इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, एक नेक्स्ट बुना और इसे इसके ऊपर गिरा दिया, दो। तो पहले तीन फंदों की घटाई डाली, अब दो की, और बाकी के फंदे जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से बटन पट्टी के फंदे उल्टे, बाकी के फंदे सीधे रहेंगे। सीधी साइड पहला फंदा उतारा, उन अपनी साइड पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, बाकी के फंदे सीधे बना लेंगे। उल्टी साइड एक फंदा बुना, नेक्स्ट बुना, पहला उतारा और एक फंदा बुना, इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे, तो एक फंदा कम हो गया, तीन दो एक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सारे फंदे अब उल्टे ही बना लूंगी। ये देखिए इस साइड की कटिंग जो है शोल्डर की मैंने कर ली है, तीन दो एक, और बाकी का लेंथ पूरी होने तक बना लेंगे, जैसे कि इस साइड इतना बनाना है लेंथ पूरी होने तक, साथ में गला भी बनाना है। तो अब जितना हमारा है ये बटन पट्टी है, इसकी लेंथ उतना बना लूँगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ बटन पट्टी की लेंथ तक। तो इसमें तो इतना दिख नहीं रहा है, तो ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइनें मैंने बनाई हैं उल्टी उल्टी, तो मैं इतना बनाकर आपको दिखाती हूँ। बटन होल इस साइड में रख लिए हैं, इस साइड हमारे बटन लगेंगे। ये देखें यहाँ पर ये 10 लाइनें हो गई हैं, 11वीं लाइन है अभी, तो गले की कटिंग भी अब साथ में कर देंगे। पहला फंदा उतारा और ये बटन पट्टी के फंदे उल्टे बना लेंगे। छः ये उल्टे बना लिए, इन फंदों को मैं इन बटन पट्टी के फंदों के साथ ऐसे डालूंगी सिलाई में। हमारे ये देखें बटन पट्टी के फंदे यहाँ आ गए दोनों में, ये अब नहीं बनाने हैं, जैसे इस साइड के छोड़े थे वैसे ही इस साइड के नहीं बनाने हैं। अब कटिंग स्टार्ट करेंगे गले की, जैसे कि इस साइड दी थी, चार फंदे घटाएंगे पहले, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे घटाए, बाकी के फंदे सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बना लेंगे। फिर से सीधी साइड में पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदा बुना, इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे, एक, फिर से बुनेंगे,
इस फंदे को इसके ऊपर गिराएंगे दो, फिर बुनेंगे नेक्स्ट फंदा, इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिराएंगे तीन। तो तीन फंदे घटा दिए, पहले चार घटाए थे अब तीन। बाकी के फंदे सीधी साइड से सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टे बना लेंगे। अगर आप बुनाई डाल रहे हैं तो बुनाई के हिसाब से फंदों को बना लीजिएगा। फिर से सीधी साइड, अब दो फंदे घटाने हैं। पहला उतारा, नेक्स्ट बुना, इसके ऊपर से गिरा दिया एक, एक फंदा बुना, इसको इसके ऊपर से गिरा दिया दो। तो चार तीन दो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब कोई फंदा नहीं घटाना है। अब लेंथ पूरी होने तक शोल्डर की, यहां से यहां तक इतना ही इस साइड का भी बना लेंगे। और ये सिंपल जैसे ये बुना है वैसे बना लेंगे। ये अब 16 फंदे बचे हैं, इन्हीं 16 फंदों को यहाँ तक लेंथ पूरी होने तक बना लेंगे। कटिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं ये बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये 17 फंदे बचे हैं जितने की दूसरे वाले पार्ट में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फंदे हैं, इन्हीं फंदों को लेंथ पूरी होने तक बना लूँगी। शोल्डर की नाप लीजिए या गले की, तो जितना ये शोल्डर बना है उतना मैं बना लूँगी। अब कोई फंदा नहीं घटाना है, गले की और शोल्डर की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस साइड का भी बना लिया है, ये लेंथ पूरी होने तक। जितनी इस साइड शोल्डर की लेंथ है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक बनाई है, तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो फंदे हैं बटन पट्टी के, ये गले के साथ इन्हें बनाएंगे। स्वेटर जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए, ये बैक पार्ट हमारा, ये जो हमारे 17 फंदे हैं इस साइड के, इन 17 फंदों के साथ ज्वाइंट करेंगे। और इस साइड के भी ये 17 फंदे इन फंदों के साथ ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद फिर गला बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शोल्डर कटिंग, साथ में बटन पट्टी कैसे बनाते हैं, बटन होल और गले की कटिंग बताई है। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, पास में घंटी का बटन है प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।